तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग पे डिस्कस कर रहे हैं। वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग पे हम आपके साथ बात करेंगे। हमारे एक व्यूअर हैं और हमारे पुराने स्टूडेंट भी हैं, जिग्नेश जी नाम है, वो अहमदाबाद से हैं और मेडिकल सेक्टर में काम करते हैं। उन्होंने मुझसे कल एक क्वेश्चन किया था, मैं सोचा कि आप लोगों से आप भी डिस्कस करें। जैसे कि आपके सामने एक डेटा दिख रहा है, इसमें कुछ नाम वगैरह है, हालांकि उनका ओरिजिनल कुछ और था तो मैंने वो नहीं दिखा रहा, बस सिंपल बना लिया। अब उनको इसको प्रिंट आउट निकालना होता है, तो जाहिर सी बात है एक पेज पे प्रिंट आउट तो निकलेगी नहीं, और पेज में इतने सारे जगह खाली भी है। तो वो कहते हैं कि प्रिंट आउट लेते समय, जैसे कि एक पेज यहाँ फुल हो गया ना, तो वो जैसे कि दूसरे शीट में, यहाँ पर मैं प्रिंट का शीट बना लेता हूँ फिलहाल, तो जब वो यहाँ पर जब वो करें तो उनका जो है जो प्रिंट हो, जैसे कि उन्होंने देखा कि यहाँ पे ऊपर से एक पेज का डेटा लिया और यहाँ पे इन्होंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर दूसरे पेज का पेडेट यहाँ इससे नीचे का डेटा लेंगे और इसके बगल में पेस्ट कर देंगे, फिर इसके नीचे का डेटा लेंगे और फिर इसके बगल में पेस्ट कर देंगे, राइट सर? हेलो, फिर यहाँ पे डेटा लेंगे और इसके लगे में पेस्ट कर देंगे और एक पेज फिल हो जाएगा, तो फिर नीचे से दूसरा पेज शुरू हो जाएगा। प्रॉब्लम समझ में आया आप लोग को? यस सर। अब हमें इस पे प्रोग्राम बनाना है, तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा पेज की सेटिंग कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाएगा कि कितना पेज होगा। तो मैं नैरो पे आ गया और मैं ओरिएंटेशन में यहाँ लैंडस्केप नहीं पोर्ट्रेट ही रहना सही, साइज मैंने A4 कर लिया, राइट। तो इससे मुझे पता चल गया कि हमारा K तक का लेटर है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ कि इसको कॉपी करता हूँ और इसको K तक ही है, हम इसको विड्थ को ऑटोमेटिक करके उसको हम A कर देते हैं, ऑटोमेटिक के जगह पे फिक्स कर देते हैं। थोड़ा बहुत अगर मान लें किसी का वर्ड ज़्यादा हुआ तो वो अपने हिसाब से सेट कर लेगा, 1 पेज कर देंगे और फिलहाल हट देते हैं अभी। तो फिलहाल जो होगा, हमें पता है कि हमारा कॉलम जो है वो है 11, राइट। कितने हैं? 11 है। और सेम यहाँ आप देखेंगे कि हमारे प्रिंटिंग की बात करें, हाँ 11 पेज है, राइट। हम प्रिंटिंग की बात करें क्योंकि हम इसको ऊपर से नीचे नहीं भर के ला सकते, इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका सिंपल है, एक तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। एक तरीके पे आते हैं, पहला तरीका पे आते हैं। तो मैं इसको 11 पेज है ना, हाँ 11 कॉलन है, हम इसको 1 पेज कर देते हैं। और एक जो सिंपल तरीका है उस पर हम लेके आते हैं आपके सामने। एक तरीका मेरा होगा, एक तरीका आपका होगा, राइट सर? तो यहाँ पे हम देते हैं सब्जेक्ट आरआर और ब्रैकेट ओपन क्लोज देते हैं और यहाँ हम लूप लगाते हैं कि 4 2 से चले रेंज। और ये हमारा जो पहला शीट है, शीट 1 का A 65,000 में कितना डेटा है, सारे वो करना है सर, इसलिए मैन एंड एक्सलेस अप डॉट डॉट रो लिखना भूल गया मैं यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे नेक्स्ट, तो इतना तो चलेगा। और ये शीट में होगा, जैसे कि हमने दे दिया यहाँ पे शीट्स और यहाँ पे हमने दे दिया शीट 1, तो पहले शीट के चलेगा, क्लियर है? तो ये जो यहाँ पे जो हमारा डेटा है इस यहाँ पे जो डेटा हमारा है इसके अकॉर्डिंग हमने बोला कि 200 चले और 767 है, तो अपने आप काउंट कर ले। उसके बाद हम कोड में यहाँ पे एक और लूप लगाएंगे और देंगे कि 4 i = चले 1 2 11, क्योंकि i नहीं होगा, j होगा, माफ कीजिएगा, j 1 2 11 और नेक्स्ट j। नेक्स्ट जी, क्लियर है? तो ये वाली जहां मेन कर रहा हूं
उसका कॉलम हमने दे दिया। ओके सर, ये हमारा कॉलम हो गया एक जे तक चले। और यहां पे हम एक और देंगे ऊपर में डिम आर एज ए लॉन्ग या इंटीजर हम दे देते हैं, और यहां देंगे आर इक्वल टू रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप अप हमने सर गलत कर दिया सर, ये हमने गलत कर दिया, इसको इस लूप को यहां से बाहर करना है, यहां रखना है। यहां पे देना है कि फोर आई जे सॉरी जे इक्वल टू चले 1 to 11, क्योंकि हमारे पास हमने पेज देख लिया कि 11 कॉलम में होगा, फिर नेक्स्ट आई हमने किया, ठीक है। फिर हम यहां पे बोलते हैं या फिर कॉलम लगेगा ही नहीं सर, ये कॉलम नहीं लगेगा, नहीं कुछ सोच नहीं पा रहे हैं सर, माफ कीजिएगा। हाँ, यहाँ पे हम करते हैं रेंज सिंपल यहाँ रहे आई थिंक, मैं अपना सोच बेकार सोच रहा हूँ, मैं रेंज में हम यहाँ पे थोड़ा सिंपल दिखता है, सिंपल है नहीं सर, मैं देखा सिंपल हो जाएगा लेकिन यहाँ पे कई सारी दिक्कत हो रही है करने में। फिर अगर हम मान लीजिए इसके अंदर एक एक वैल्यू को लेके आएंगे सर, इसको माइक्रो रिकॉर्ड से कर सकते हैं क्या? नहीं, माइक्रो रिकॉर्ड से नहीं करना है, हमें एक एक सेल को फिल करना है ना सर, मतलब कि हमें 700 वैल्यू को एक एक करके बैठाना है। क्या बोल रहे हैं सर? मैं यहाँ पे समझी नहीं, मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जहां से मेरा पेज ब्रेक हो रहा है वहां से फिर डेटा कॉपी करके उसके पास में आके वो स्टोर मतलब पेस्ट करेगा। हाँ, मतलब कि कनेक्ट करने समझे कि हमने यहाँ से डेटा उठाया और हमने यहाँ पे प्रिंट किया, तो पेज जैसे यहाँ पे अगर प्रिंट की बात करें हम, तो प्रिंट लेते हैं, देखिए तो देखिए 46 आ गया हमारा, तो 147 है वो दूसरे पेज में है, उनका कहना है कि दूसरे पेज में ना हो, इसके दूसरे कॉलम में आ जाए। अच्छा सर, ठीक है, समझा समझे ना? हाँ। और तो जब हमें पेज, ऐसा इसमें जब ये पेज मेरा भर जाए उसके दूसरे पेज में जाए, बात समझ में आया? हाँ सर। तो सर प्रोग्राम में अपने को पेज सेटअप भी करना पड़ेगा क्या, A4 साइज और ये जो आपने पहले जो सेट किया वो भी अपने को VBA में करना पड़ेगा? नहीं, VBA के थ्रू नहीं, तो मैं चेक कर लिया कि पेज सेटिंग कर लिया, पेज का सेटिंग तो उससे दिक्कत नहीं। ओके समझे क्या दिक्कत है? हाँ सर समझ गए, इसके ऊपर एक प्रोग्राम डायनेमिक प्रोग्राम बनाना है। जी तो इसको क्या हम एरे से कर सकते हैं सर? अपने को हर एक जो कॉलम है ए बी सी डी इसका जो सेकेंड रो है जो, हाँ, वहाँ पे कुछ तो अपने को लूप लगाना पड़ेगा। और जैसे कि हमें तो जितना वैल्यू उतना चलाना है, राइट, यहाँ से उठाना है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये तो बराबर है सर।
उसके बाद जो है हमें अब इसमें हमें एक बात यह है कि इसकी जो डेटा आएगी उस डेटा को हमें एक एक करके रेंज पे रखना है। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया कि रेंज ए, राइट सर, यहाँ पे देखना है कि वो ब्रेक कहाँ पे हो रहा है, उसके बाद ना वो कॉपी करके फिर पेस्ट करेगा। हम देख लेते हैं, पहला काउंट करना पड़ेगा सर कितना उसमें जहाँ एंड जहाँ तक हो रहा है, जहाँ पे वो फिल हो रहा है वहाँ तक अपने को काउंट करना पड़ेगा। सर प्रिंट प्रीव्यू का कुछ देना होगा क्या कि देखने के लिए कि लास्ट कौन सा रो ब्रेक हो रहा है? नहीं, वो प्रिंट प्रीव्यू से दिक्कत नहीं है, वो तो पेज हम सेट कर दिए ना। हमें सबसे पहला डेटा को अलग अलग कॉलम में लाना है। सर ये होम टास्क दीजिए ना, हम लोग ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो मंडे को होगा। सर ये मैं करके दिखाता हूँ आपको, हो जाएगा सर ये? ठीक है, तो ये आपके लिए होम टास्क रहा, एक करके दीजिए। यस सर, मैं करके ट्राई करेंगे। एक तो इसमें दो मार, एक तो ये आपको समझ में आ गया कि पूरा करना है, एक उनका कि मेरी जरूरत के हिसाब से मैं नंबर 25 30 वो हिसाब से। ये सुनाई नहीं दिया सर, एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। एक और इसमें एडिशन करनी है कि एक और मैक्रो बनाना है जिसमें वो अपनी च्वाइस देंगे कि मुझे 500 रोज का डेटा चाहिए, 300 रोज का डेटा चाहिए। अच्छा, 25 चाहिए, वो इनपुट ब्लॉक में डाल दे उस हिसाब से चाहिए। अच्छा ठीक है, ठीक है सर। तो ये आपका इस वीकेंड का प्रोजेक्ट रहा, इसको कीजिए। और ये सोचने वाली बात नहीं, थोड़ा सा लंबा प्रोजेक्ट है क्योंकि मुझे भी इसको हिला दिया इसने, तो समझ जाइए। मंडे थोड़ा पढ़ अमेरिका क्लियर कर दीजिए ना, मुझे उसके ऊपर फंक्शन ट्राई करना है, वरना मैं वहीं पे अटकी रहूंगी। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू।